नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेरोजगार हो जाएं तैयार, पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों पर होगी भर्ती। 960 केंद्रों में कल जेओए आईटी की परीक्षा देंगे 2 लाख छात्र, परीक्षा हॉल में बैठने से पहले होगी थर्मल स्कैनिंग। वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद बुजुर्ग की मौत, टीका लगाने के बाद से बिगड़ी थी तबीयत। भाजपा मुक्त हुआ पंजाब, अब हिमाचल की बारी, कांग्रेस अध्यक्ष राठौर बोले नगर निगम चुनावों में मुंह की खाएगी भाजपा। स्वर्ण जयंती समारोहों पर 7 करोड़ से अधिक खर्च करेगी जयराम सरकार। एक ही रात में चोरी की 5 वारदातों से थाना कलां में दहशत, 2 मंदिरों से उड़ाई नकदी, 2 स्कूलों और 1 पटवार खाने में लगाई सेंध। 2 सड़क हादसों में 4 की मौत, जलोड़ी में कार गिरी, पति पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम, चंबा में बाप बेटे की गई जान। 4 लेन संघर्ष समिति ने प्रशासन के खिलाफ खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, सरकार और 11 अधिकारियों को बनाया पार्टी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में पुलिस विभाग जल्द ही पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों को भरने जा रहा है। कोविड-19 के चलते पहले ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में देरी हो चुकी है, लेकिन अब विभाग जल्द ही इन पदों को भरेगा। बता दें कि पुलिस विभाग ने रिक्त हुए पदों को भरने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद पिछले साल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी। अब इन्हीं 1334 पदों को भरने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस विभाग से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग जल्द ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का आयोजन करने जा रहा है। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो रही है, ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार तैयार रहें। हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के कुल 1869 पदों के लिए कल लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए करीब 2 लाख आवेदन आए हैं। हमीरपुर चयन बोर्ड की तरफ से पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए कुल 960 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 लिखित परीक्षा ली जा रही है। हमीरपुर चयन आयोग की माने तो इसमें करीब 28,000 आवेदन रद्द हुए हैं। अधिक आवेदन होने के चलते जिले के बाहर और काफी दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच यह परीक्षा होगी, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। कई जगह परीक्षा केंद्र पर डेस्क की व्यवस्था न होने के चलते सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ क्लिपबोर्ड लाने को भी कहा गया है। परीक्षा केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की मनाही है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग पर आवेदक 3 साल के लिए परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का आरोप था कि उन्हें रविवार को एग्जाम देना है और कई जिलों में निजी और निगम की बसें चलती। रिपीट। उपमंडल बंगाणा के तहत सिहाना पंचायत में जटेड़ी गांव में 87 वर्षीय एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान निक्काराम निवासी जटेड़ी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है 2 दिन पहले ही वृद्ध को कोविड वैक्सीन का टीका लगा था, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब थी। मृतक की बेटी ने बताया अपने पिता को गुरुवार को सिविल अस्पताल बंगाणा में कोरोना वैक्सीन लगवाकर आए थे। वैक्सीन लगवाने के कुछ समय बाद ही उल्टियां व उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई। पिता की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु दिमाग की एक नस के फटने से हुई है, जबकि परिजनों व ग्रामीणों का कहना है कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले बुजुर्ग व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ था। इस संबंध में अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु दिमाग की नस फटने की वजह से हुई है। उधर खंड चिकित्सा अधिकारी SK कालिया ने कहा कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा के नगर निगम चुनावों में अपनी जीत के दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। राठौर ने कहा कि प्रदेश सहित पूरा देश आज भाजपा की नीतियों से परेशान है, इसलिए अब लोगों ने इसे सत्ता से बाहर निकालने का पूरा मन बना लिया है। राठौर ने प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के 4 नगर निगमों के साथ फतेहपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि होता है, पर भाजपा सत्ता धनबल और डरा धमका कर इसे चुराती आई है। जोड़ तोड़ की राजनीति में भाजपा नंबर 1 बन गई है।
राठौर ने कहा, कांग्रेस देश में भी और प्रदेश में भी एक मजबूत पार्टी है। प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के हर दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राठौर ने कहा कि खन्ना को कांग्रेस की चिंता छोड़ प्रदेश में ही अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खन्ना को पहले अपने गृह राज्य की चिंता करनी चाहिए, जहां भाजपा का सूपड़ा ही साफ हो गया है। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोहों पर जयराम सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में स्वर्ण जयंती आयोजन के लिए मुख्य हेड से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से 12 मार्च तक 4.59 करोड़ खर्च भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार का जनसंपर्क विभाग अपने स्तर पर 2.73 करोड़ से अधिक खर्च करेगा। इस तरह कुल खर्च 7.32 करोड़ से ज्यादा किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रचार के लिए 1600 होर्डिंग्स लगाए हैं। इसी बीच राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह पर 60 लाख से अधिक खर्च किया जाएगा। यही नहीं, स्वर्ण जयंती समारोह के प्रीतिभोज पर ही सरकार ने 7.41 लाख खर्च कर दिए थे। ये जानकारी कांग्रेस के विधायक विनय कुमार तथा जगत नेगी के सवाल पर लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से दी गई। पुलिस थाना बंगाणा के तहत बंगाणा में एक ही रात में अज्ञात चोरों ने थाना कलां में चोरी की 5 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों के संबंध में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 12 बजे थाना कलां के हनुमान मंदिर व मंझेड़ के शिव मंदिर में दान पात्रों को तोड़कर नकदी को चुरा लिया गया। वहीं शिव मंदिर के सामान भी गायब है। इसी के साथ थाना कलां के ही प्राथमिक स्कूल व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के कमरों के ताले भी तोड़ दिए गए। इसके बाद अज्ञात चोरों ने पटवार खाने के ताले भी तोड़ दिए हैं। सरकारी स्कूलों व पटवार खाने में चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके। कयास लगाए जा रहे हैं कि चोरों ने नकदी की तलाश में सरकारी स्कूलों व पटवार खाने की अलमारियों को तोड़कर सामान इधर उधर बिखेर दिया था। शातिर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कंप्यूटर, LCD आदि के कमरे का ताला तोड़ पाने में लुटेरे कामयाब नहीं हो सके, लेकिन स्कूल में लगे कैमरों में शातिरों की हरकत कैद हुई है। पुलिस इन्हीं को आधार बनाकर अज्ञात चोरों की पहचान करेगी। हिमाचल में 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिला कुल्लू के जलोड़ी जोत में एक गाड़ी के गिरने से एक दंपति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जिला चंबा में लचोड़ी से आगे कोटी पुल के पास कार समेत पिता पुत्र के शव बरामद किए गए हैं। यह 3 दिन से लापता थे। SP चंबा एस अरुण कुमार ने बताया, सालवा पंचायत का राकेश कुमार और उनका बेटा 3 दिन से लापता थे। इस संदर्भ में परिजनों ने पुलिस चौकी तेलका में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार राकेश कुमार बुधवार को अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ कार से लचोड़ी की तरफ निकला था। उसके बाद संपर्क टूट गया था। शनिवार को यह कार लचोड़ी के पास हादसे का शिकार मिली। इस दर्दनाक हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो चुकी थी। पठानकोट मंडी प्रस्तावित 4 लेन को लेकर 4 लेन संघर्ष समिति ने प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर की है। यह याचिका समिति के सदस्य रिटायर्ड मेजर ओंकार सिंह द्वारा दायर की गई है। इस बारे में संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने बताया कि अधिग्रहण की जा रही भूमि का मूल्यांकन भू अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित की जा रही भूमि को एक ही कार्य के लिए 3 बार मूल्यांकन किया जा रहा है, जो निराधार है। याचिका के तहत भू अधिग्रहण प्रक्रिया रोक लगाने की मांग की गई है। सुदर्शन शर्मा ने बताया, इस जनहित याचिका में सरकार और प्रशासन के 11 अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। सुदर्शन शर्मा ने कहा, 4 लेन संघर्ष समिति कुछ दिनों में पदाधिकारियों से मिलकर आगामी रणनीति बनाएगी, ताकि आम जनमानस को उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन उन्हें उचित मुआवजा नहीं देता है तो सभी 3,781 परिवार प्रशासन के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेंगे। 3,781 परिवार प्रशासन की मुआवजा राशि के मूल्यांकन के निर्धारण पर 3 वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब TV। दिल से दिमाग तक।